नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट आइडियाज और मैं हूं आपके साथ शक्ति मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अगरबत्ती का प्रोडक्शन कर सकते हैं मशीन के जरिए, कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, मशीन का कॉस्ट क्या आएगा, अगरबत्ती कैसे बनाते हैं, इसके बारे में सारा कुछ आज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं करूंगा एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर बटन सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है अगरबत्ती का मटेरियल है जिससे कि अगरबत्ती बनाया जाता है, अगरबत्ती प्रीमिक्स बोलते हैं उसको, इसको अगरबत्ती प्रीमिक्स बोलते हैं। आइए जानते हैं ये मटेरियल कैसे बनता है यहाँ के डायरेक्ट ऑनर से। जो अगरबत्ती प्रीमिक्स है, वो अगरबत्ती प्रीमिक्स के अंदर चारकोल पाउडर, वुड पाउडर और जिकेट पाउडर तीन चीज़ मिक्स करके उसके बाद अगरबत्ती प्रीमिक्स बनता है। अगरबत्ती प्रीमिक्स बनने के बाद उसको पानी डाल के उसको कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या क्या आप जो है मटेरियल बनाते हैं और यहाँ पे ये इसका प्रोडक्शन भी करते हैं। आप डायरेक्ट ये पाउडर्स भी इनसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि इसको मिक्स कैसे करते हैं। अगरबत्ती बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अगर एक किलो मात्रा में बनाते हैं तो मैं एक किलो के हिसाब से आपको बताता हूँ। एक किलो का अगरबत्ती बनाने के लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले आप एक किलो जो है प्रीमिक्स पाउडर यहाँ पे तौल कर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक किलो प्रीमिक्स पाउडर जो है इस मशीन के ऊपर डाल दिया है और अब हम इसके अंदर 650 ग्राम जो है पानी मिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक किलो प्रीमिक्स जो है हमने वहाँ पे वज़न कर लिया है और अब हमें इसके अंदर 650 ग्राम जो है पानी मिलाना पड़ेगा। कहते हैं कि करीब करीब 650 ग्राम पानी इसके अंदर है, थोड़ा बकेट का वजन जो है माइनस करके। तो अब इसको हम प्रीमिक्स के अंदर इस पानी को मिलाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीमिक्स और पानी को जो है मिला दिया गया है। एक किलो प्रीमिक्स का पाउडर और जो है 650 ग्राम पानी का जो है इसमें मिश्रण हमने कर दिया है। अब हम इसको मिला लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक फुली ऑटोमेटिक मशीन है जो कि सिंगल फेस बिजली पर चलती है, यानी कि आपके घर पे जो बिजली आती है उसी बिजली से आप इस मशीन को संचालित कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक फुली ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल हमने मिक्स किया है वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इसके स्टिक्स हैं वो हमने इस स्टैंड पे रखा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल जो हमने अभी अभी पानी से गूंद लिया है उसे हम जो है इस बकेट के अंदर यहाँ पर मिक्स कर डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस मटेरियल को डाल दिया है। अब हम जो है स्विच ऑन करेंगे मशीन और आपको दिखाएंगे कि ये प्रोडक्शन कैसे होता है। ये जो रेड कलर का बटन आप देख सकते हैं उसको इन्होंने दबाया है और अब यहाँ पे आप बिल्कुल देख पाएंगे कि इसका लीवर है और ये यहाँ से जो है मशीन चालू हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मशीन जो है मैंने स्लो मोड में चालू किया है ताकि आपको मैं बता सकूं कि ये मशीन जो है किस तरह से अगरबत्तियों का निर्माण करता है। अगर आप चाहें तो इसका जो है लेवल बढ़ा सकते हैं और काफ़ी स्पीड भी कर सकते हैं जिससे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो क्वांटिटी होगा वो ज़्यादा होगा। आप बिल्कुल यहाँ पर देख पाएंगे कि ये स्टिक्स हैं जो कि ये स्टिक्स भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये स्टिक्स जो हैं आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन के अंदर जा रही है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे अगरबत्तियों का निर्माण होके और बिल्कुल यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो मटेरियल है वो यहाँ पे बनकर तैयार हो जा रहा है। अब आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ कि अब सारी प्रक्रिया कैसे काम करती है। दोस्तों, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है स्टिक रखा हुआ है और ये ऑटोमेटिक जो है उसके खाने के अंदर जा रहा है और यहाँ पे जो है उसका निर्माण होकर और आप देख पाएंगे कि बिल्कुल यहाँ पे अगरबत्तियों का जो है निर्माण हो जा रहा है। अगर हम ऊपरी हिस्से की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप मसालों को देख सकते हैं जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले मिक्स किया था इसके अंदर। अगर आप चाहें तो इनका जो है
क्षमता काफ़ी बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं आपको स्पीड में इस मशीन को चलाकर दिखाता हूँ कि जो है कैसे ये काम करती है और कैसे जो है अगरबत्तियों का जो है निर्माण हो जाता है। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, यहाँ से आप इस मशीन का जो स्पीड है उसको बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे थोड़ी स्पीड अब इसकी बढ़ चुकी है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ जो है गति से अगरबत्तियों का निर्माण यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हो रहा है। दोस्तों ये रहा पूरा जो है जायरा इसका और पूरा जो है फेस आप यहाँ से मशीन का देख पाएंगे कि कैसे ये मशीन जो है अगरबत्तियों का निर्माण कर देता है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने इतने सारे अगरबत्तियों का निर्माण सिर्फ कुछ ही मिनटों में कर दिया है और यहाँ पे एक बहन है जो कि अगरबत्तियों का जो है कलेक्शन कर रही हैं। आप ज़रा सा ये भी देख लीजिए कैसे किस प्रकार से इनका जो है कलेक्शन किया जाता है। कैरेट में कुछ इस प्रकार से इनको रखा जाता है। दोस्तों जहां तक अगरबत्तियों को सुखाने की बात है तो इन्हें धूप में नहीं सुखाना है, आप इसे जो है पंखे के नीचे या घर में कहीं भी आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक परत में लगाकर और सुखा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगरबत्ती को जो है सुखा लिया गया है। ध्यान रखें कि इसको धूप में ना सुखाएं, हमेशा हवा के नीचे या घरों में जगह है वहाँ पे परत बनाकर ही अगरबत्तियों को सुखाया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगरबत्ती को सुखा लिया गया है और अब हमें इसके अंदर परफ्यूम डीप करना है, यानी कि डीपिंग करना है, परफ्यूम लगाना है ताकि इसका स्मेल काफ़ी अच्छा हो जाए। दोस्तों परफ्यूम जो है बनाने के लिए आप 1 किलो परफ्यूम के अंदर 4 किलो जो है आप देख सकते हैं DEP की इस तरह की जो है बकेट आती है, आप उसे खरीद सकते हैं और 1 किलो परफ्यूम के अंदर 4 किलो जो है DEP आप मिक्स करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरह से जो है आपका परफ्यूम बनकर तैयार हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सुगंधित परफ्यूम है, दिख रहा पानी, अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुगंधित परफ्यूम है और ये यहाँ पे अगरबत्ती है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि परफ्यूम के अंदर अगरबत्ती को जो है डुबाकर और जो है कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे रख दिया जा रहा है ताकि अगरबत्ती के अंदर जो है परफ्यूम जो है मिक्स हो जाए और जब आप इस अगरबत्ती को जलाएंगे तो काफ़ी अच्छा खुशनुमा आपको जो है स्मेल आएगा। दोस्तों जैसे ही आपकी जो है अगरबत्ती तैयार हो जाती है तो कुछ इस तरह से आप जो है इसकी पैकिंग कर सकते हैं। अगर आप कुछ अलग डिज़ाइन में भी पैकिंग करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, लेकिन नॉर्मली मैंने एक बेसिक आपके लिए लाया है कि जो ये पैकेट है कुछ इस तरह के पैकेट से भी आप जो है अगरबत्ती जो है यहाँ पे आपका एक स्टिकर लगाकर और कुछ इस तरह से आप पैकिंग करके आपका जो है अगरबत्ती सेल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं आपको बता दूं कि जो अगरबत्ती का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है ये एक अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती है और ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, एक ब्रांडेड अगरबत्ती है। इसके बारे में मैं इसके ओनर से भी आपका जो है एक साक्षात्कार करवा दूंगा। दोस्तों जैसा कि आपने पूरा प्रोसेस देख लिया है अगरबत्ती का, पूरा निर्माण तक का अभी तक आपने पूरा क्लिप देख लिया है, अब मैं आपको बताता हूँ इस मशीन का कॉस्ट, इस पे आने वाला लागत और इस पे होने वाले मुनाफे के बारे में। सर बहुत बहुत सबसे पहले शुक्रिया मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर आके आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमें वीडियो शूट करने का आपने जो है परमिशन दिया है ताकि लोगों का कुछ भला हो सके। हमारे देश में काफ़ी बेरोजगार लोग ऐसे हैं जिनके पास काम धंधे की कमी होने के कारण शहरों में भाग दौड़ की जिंदगी जीने को विवश हैं। मेरी कोशिश आपके लिए यही होता है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे आइडियाज़ को लेकर आऊं ताकि आप आपके गांव क्षेत्र में ही एक बिज़नेस कर सकें और अपने परिवार का वहीं पे रह के पालन पोषण कर सकें। सर इस मशीन का अगर बात करें तो कितना कॉस्ट है इस मशीन का? ये मशीन आपको पड़ेगा, समझ लो कस्टमर को, छोटा कस्टमर आपका मिलेगा तो उसको 65,000 प्लस 5% CST में उसको मशीन की कीमत है। और मशीन के अंदर समझ लो 1 किलो प्रीमिक्स के अंदर उसको 360 ग्राम स्टिक लगती है तो सारा मिला के
वो एक किलो वेस्टेज बात करने के बाद एक किलो 320 ग्राम माल उसको रेडी होता है, तो पूरा दिन के अंदर वो 90 से 100 किलो माल गीला निकलेगा, तो उसको 60 से 70 की जो किलो ड्राई माल आराम से मिलेगा उसको। वो ड्राई माल को 70 केजी को परफ्यूम करेगा तो परफ्यूम वाली बत्ती उसको 90 केजी तैयार होगी, तो 90 केजी के ऊपर अप्रोक्सली 20 से 25% उसको मुनाफा हो सकता है। मशीन की कैपेसिटी है कि 60 से 70 किलो जो है आप प्रोडक्ट एक दिन में बनाकर बेच सकते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाकर और आपका आजीविका चला सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए लघु उद्योग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और अपने माँ और बाप का भूल कर भी दिल ना दुखाएं, आपकी ज़िंदगी वैसे ही सुखमय हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।